नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे। वो लंदन से लाहौर पहुंचेंगे, फैसला मुशावरत से किया। कायद नून लीग की आमद पर पूरा पाकिस्तान उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेगा। नवाज शरीफ को साजिश के तहत इक्तदार से महरूम किया गया। इस साजिश की वजह से पाकिस्तान की आवाम तरक्की से महरूम हुए। 2018 का झरलू इलेक्शन ना होता तो मुल्क आज बहुत आगे होता। अवाम इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ के हमराह मीडिया से गुफ्तगू। इंतखाबात 90 दिन में हों या 120 दिन में, ये ज़रूरी होंगे। इलेक्शन जब भी हों हम भागने वाले नहीं। हम मुल्क दुश्मन पार्टी को पूरे मुल्क से शिकस्त देंगे। मुखालफीन अवाम और इदारों के दरमियान खला पैदा करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का मुल्तान का दौरा, रैली की शक्ल में सीधा वाला बाईपास पर कारकुनों से खिताब। सानहा 9 मई पर मुश्तरका तहकीकाती टीम की 14 मुकदमात में तफ्तीश मुकम्मल। चेयरमैन पीटीआई 10 नामजद मुकदमात में कसूरवार करार दे दिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान के बयानात और निशानदही पर उन्हें कसूरवार करार दिया गया। जिना हाउस हमले में 80 मुलजिमों के बयानात में साजिश का आंसर वाज़े हुआ है। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ सोशल मीडिया से मुतालिक 400 से ज़ायद शवाहिद मिले। GIT हुकाम की रिपोर्ट।